तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है ठीक ही होंगे। यार मुझे तुम लोगों के कुछ कमेंट्स मिले हैं जिनमें सिर्फ यही पूछा गया है ये मूवीज़ कैसे डाउनलोड होंगी, लिंक दे दो भाई। और एक बंदे ने तो हद ही कर दी यार, बोला भाई मुझे लिंक दे दो। मतलब इस बंदे को लिंक और लिंग में कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे। तो मैं तुम लोगों की ये प्रॉब्लम भी दूर कर देता हूँ। वैसे टेलीग्राम कौन कौन चलाता है? मुझे लगता है सभी चलाते होंगे। तो मुझे टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर, टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की बेस्ट सर्वाइवल मूवीज़ के बारे में, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी फिल्म में अब आगे क्या होगा। और ये सभी मूवी हिंदी में अवेलेबल हैं, जो आपको आसानी से मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो शुरू करते हैं बिना किसी पक्चौदी के। नंबर 5, हाउल। 2015 में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से, जो अपनी मंजिल से पहले ही घने जंगलों के बीच खराब हो जाती है। हम ईस्टब्रा पहुंचने ही वाले थे कि ट्रेन में कुछ खराबी आ गई है। अरे ड्राइवर का क्या कहना है? ये ट्रेन ठीक होगी भी या नहीं? वो ट्रेन के बाहर खूनी भूखे नर भेड़िए उनका इंतजार कर रहे हैं। तो उस ट्रेन के सभी लोग कैसे सरवाइव करते हैं उन खूनी नर भेड़ियों के साथ, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 5.4 की रेटिंग दी है। नंबर 4, ट्रेन टू बुसान। 2016 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से। उस ट्रेन में एक जोम्बी वायरस से इन्फेक्टेड लड़की होती है, जो धीरे धीरे पूरी ट्रेन के लोगों को इन्फेक्टेड कर देती है। और पूरी दुनिया में ये वायरस पहले से ही फैल चुका होता है, लेकिन ट्रेन के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस वायरस की चपेट में नहीं आए थे। तो वो सब बचे हुए लोग कैसे जोम्बीज के साथ सर्वाइव करते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 7.5 की रेटिंग दी है। नंबर 3, डार्केस्ट आवर। 2011 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक एलियन के हमले से, जिसको रोकने के लिए 5 लोग आगे आते हैं। और वो पांचों पूरी दुनिया को एलियन से कैसे बचाते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 5.9 की रेटिंग दी है। नंबर 2, डीप इंपैक्ट। 1998 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है वैज्ञानिकों से, जिन्होंने भविष्यवाणी की है एक उल्कापिंड पूरी दुनिया और मानवता को नष्ट करने वाला है। ये बात सुन के अमेरिका अपने लोगों को बचाने के लिए जमीन के नीचे कई गुफा का नेटवर्क बना देता है। तो क्या उन गुफा में लोग बच पाएंगे, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6.2 की रेटिंग दी है। नंबर 1, द इम्पॉसिबल। 2012 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक सुनामी से, जो पूरे तटीय इलाके को बहा देती है। इस सुनामी में एक फैमिली के सभी मेंबर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने आप को कैसे सरवाइव करते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 7.6 की रेटिंग दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लो जल्दी से, वहाँ मूवीज़ के बारे में सभी जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी।